सबसे पहले ये बताइए, जब शम्मी कपूर का गाना आपको करना है या ऐसा, अगर मैं गलती तो शायद नहीं, तो शम्मी कपूर जी हां, तो शम्मी कपूर सर के नाम से पहली चीज क्या याद आती है? आई थिंक शम्मी कपूर जी के का नाम सुनते जो पहली चीज याद आती है वो है उनका जो ये वाला अंदाज था वो, एंड ऑल हिज मैडनेस सॉन्ग्स, याहू रिकॉल होता है द मिनट यू हियर अबाउट शम्मी कपूर, एंड आई थिंक उनका मजा यही था, वो एक लिटरली एक दिल फेंक आशिक जैसे थे, एंड ही हैड हिज ओन स्टाइल ऑफ रोमांसिंग ऑल द हीरोइंस, एंड आई एब्सोल्युटली लव लव ऑल ऑफ शम्मी जी सॉन्ग्स. मैं मोहम्मद रफ़ी जी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे सारे रेट्रो गाने बहुत अच्छे लगते हैं. इन्हें इतना पता नहीं है क्योंकि ये यहाँ से है नहीं, बट यू नो आई आई ट्राई टू थ्रो एज मच इन्फ्लुएंस ऑन एलिना अबाउट शम्मी जी एज पॉसिबल. करण, पर ये सीक्वेंस क्यों मतलब शम्मी जी का चूज़ क्यों किया इस बार? यू नो इस हफ्ते की थीम थी कि आई लव, बेसिकली आपको आई लव कंप्लीट करना है कि यू लव समबडी लव्स डायमंड्स. आई लव शम्मी कपूर, यू नो बचपन में मेरे जो डैड हैं वो भी बहुत बड़े शम्मी कपूर जी के फैन हैं, और मुझे याद है कि हमारे जब हम छोटे थे ना मॉम के लिए बहुत गाने गाया करते थे शम्मी जी के, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग एक इन्फ्लुएंस हो गया मेरी लाइफ में. एंड आई ऑल्सो ग्रो अप विथ अ लॉट ऑफ रेट्रो इन माई लाइफ, ये सारी पुरानी पिक्चरें मुझे देखने बहुत अच्छी लगती हैं, और कहीं ना कहीं मेरा जो जो मेरे अंदर एक एक्टर है उसका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इज बिकॉज ऑफ माई फादर एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज ओल्ड मूवीज एंड स्पेशली शम्मी जी फिल्म्स. यू नो आई एब्सोल्युटली लव हिम, यू नो his style is something that cannot be copied again ever, but we're trying just a little bit ki thodi si hum thodi si unki chhap kahin le aaye is act mein, to I think humne kaafi kaam kar liya hai.